तो रोमन रेंज आने वाले WWE के हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे इन साइड हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर, और वो फेस करने वाले 619 रे मिस्टीरियो के। इस मैच में टाइटल चेंज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, या फिर कह लो अब चांस ही नहीं है। लेकिन हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बाद आएगा WWE का मनी इन द बैंक का पेपर व्यू, जो कि होने वाला है लाइव फैंस के साथ। और वह रिसेंटली ये बात रिवील हो चुकी है कि वहां पर कौन सा होगा रोमन रेंज का अपोनेंट। दो सुपरस्टार्स के नेम आए सामने, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर होगी बात। साथ ही में इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में करेंगे बात, जो कि था हेल इन अ सेल के लिए गो होम एडिशन। फाइनली अपने डिस्ट्रॉयर सामोआ, जो कि भी हुई आज NXT के ऊपर वापसी, उन्होंने किया केरन क्रॉस को कन्फ्रंट, और उन्होंने किया एडम कोल के ऊपर हमला बैक स्टेज पे। अभी फिलहाल समर स्लैम 2021 की टिकट सेलिंग और कहां तक पहुंच चुकी है, किस तरीके से टिकट्स बिक रही हैं, ये बात भी आ चुकी है सामने। और रॉ अंडरग्राउंड भी एक बार फिर से आने वाला है WWE के अंदर वापस, लेकिन वो इस बार आएगा NXT में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैनी कांग्रेचुलेशंस हमारे फॉर्मर WWE स्टार, करंट AEW स्टार, मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली और रीने यंग को, क्योंकि आज उनकी बेबी गर्ल आ चुकी है इस दुनिया में। कांग्रेचुलेशंस दोनों को, WWE से दूर चले गए तो क्या हुआ, लेकिन ऑलवेज इनका जो फैन बेस है WWE फैंस के मन में रहेगा। और जॉन मॉक्सली और रीने यंग को एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयां। लेकिन शुरू करते वीडियो को, और पहली न्यूज जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। और क्या इस हफ्ते रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप शायद बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। आई थिंक ये डिसेंट सा शो था, ज्यादा कुछ खास शो पर हुआ नहीं। मेन इवेंट के अंदर एक्शन जरूर अच्छा था, लेकिन अगर AJ स्टाइल्स और मैकइंटायर का सिंगल्स मैच होता तो आई थिंक ज्यादा और चीजें अच्छे तरीके से हो पाती। और ये जो शो था वो था हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए गो होम एडिशन, यानी कि फाइनल शो। तो यहाँ पर क्या व्यूअरशिप आई है जरूर बहुत लोग जानना चाहेंगे। तो भाई WWE के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है 1.7420 मिलियन व्यूवर्स, और ये पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि पिछले हफ्ते 1.640 मिलियन व्यूवरशिप आई थी। तो भाई पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते काफी अच्छा एक राइज आया रॉ की व्यूवरशिप के अंदर। अब काफी अजीब सी बात है कि रॉ के एपिसोड के अंदर व्यूवरशिप का इंक्रीज आता है, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा कम होता है कि रॉ के एपिसोड की रेटिंग हमें बढ़ती हुई नजर आए। आई थिंक WWE धीरे धीरे करके शोज को इम्प्रूव करेगी, और अगले महीने जब लाइव फैंस वापस आएंगे शो और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है। और अभी फिलहाल ये कुछ अच्छी सी व्यूवरशिप आई है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और इस बार ये जुड़ी है रॉ अंडरग्राउंड के बारे में। लेकिन इस बार जो रॉ अंडरग्राउंड की रिटर्न है वो WWE के अंदर तो होगी, पर वो रॉ में नहीं होने वाली है, क्योंकि वो होगी रिटर्न NXT के अंदर। रॉ अंडरग्राउंड इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया था मेन रोस्टर में, इसलिए WWE ने उसे अचानक से ही बंद कर दिया। कोई रीजन वगैरह यहाँ पर रिवील हुआ नहीं, फिर उनके जो सुपरस्टार्स थे उनको थोड़ा थोड़ा करके या रिलीज कर दिया गया, या फिर उन्हें किसी तरीके से रोस्टर के अंदर फिट कर लिया गया। लेकिन होता कि पिछले कुछ हफ्तों से जो NXT वो इस बात को टीज कर रही थी कि कुछ स्पेशल चीज होने वाली है काफी जल्दी NXT में, और आज फाइनली NXT के शो के अंदर ये बात अनाउंस होती है कि अगले हफ्ते NXT के अंदर एक स्पेशल चीज होगी, क्योंकि डायमंड माइन ओपन होने वाला है अगले हफ्ते। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, डायमंड माइन ऊपर आपको दो डायमंड दिखाई दे रहे हैं, बीच में आपको दो बंदों की फिस्ट दिखाई दे रही है। अगर आप इसका जाके ट्रेलर देखोगे जो कि WWE ने इस मंथ की स्टार्टिंग में रिवील किया था, तो वहां पर बॉक्सिंग वगैरह हमें दिखाई जा रही है। तो कुल मिला के अंडरग्राउंड जो कि रॉ अंडरग्राउंड था वैसे ही कुछ हमें दिखाई देने वाला है NXT के अंदर। और आई थिंक HHH के होने के कारण NXT इसे काफी अच्छे तरीके से पुट ओवर कर पाएगी। अगले हफ्ते ये चीज रिवील हो रही, तो देखने में मजा आएगा कि डायमंड माइन के अंदर क्या क्या होता है और कौन कौन से सुपरस्टार्स हमें आते हुए नजर आते हैं। आपके हिसाब से क्या रॉ अंडरग्राउंड से ज्यादा बेहतर है डायमंड माइन होगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं आज के NXT के एपिसोड के बारे में, क्योंकि हमारे डिस्ट्रॉयर सामोआ जो आज फाइनली आ चुके हैं NXT के शो के अंदर वापस। तो देखो शो की स्टार्टिंग विलियम रीगल के साथ होती है, वो रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि भाई काफी सारी चीजें चेंज करनी जरूरी है NXT के अंदर, NXT को एक चेंज की जरूरत है। उन्होंने काफी सारे साल इस NXT ब्रांड को दिए, फिर वहां से अचानक से हमें केरन क्रॉस आते हुए नजर आते हैं स्कारलेट के साथ में अपनी NXT टाइटल के साथ। केरन क्रॉस कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि तुम अब रिटायर होने वाले हो, अब तुम्हारी इसमें जरूरत नहीं है NXT ब्रांड में, क्योंकि मैं इतना डोमिनेट चैंपियन यहां पर आ गया हूं। तुम्हें लगा कि जो माउंट रशियम भी फिलहाल NXT के, तुम उनके खिलाफ मेरे को डिफेंड करवाओगे टाइटल और मैं टाइटल हार जाऊंगा। नहीं, मैंने तुम्हारे NXT के माउंट रश को भी हरा के फेंक दिया, तो जो तुम्हारे वर्ड्स थे मैं एकदम सामने से सुनना चाहता था, अब चलो तुम मेरे सामने कहो कि तुम यहां से रिटायर हो रहे हो, तुम यहां से छोड़कर जा रहे हो, और केरन क्रॉस ने तुम्हें गलत साबित कर दिया। जैसे विलियम रीगल कुछ बोलने चलते वहां से सामोआ जो का एंट्रेंस म्यूजिक हो जाता है प्ले। वहां पर जो लाइव फैंस थोड़ी बहुत होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, जो कि म्यूजिक को सुनने के बाद सब जो जो का चैंट लगाना शुरू करते हैं। सामोआ जो एकदम कोट पैंट के अंदर आते रिलैक्स करके एकदम रिंग में जैसे ही वो एंट्री करते हैं, वो कहते हैं विलियम रीगल मैं एक्चुअल में यहां पर आया इसलिए था क्योंकि
कि तुमने कहा था कुछ बातें होंगी तेरी और मेरी बैक स्टेज पर, वो बातें हुई नहीं। और विलियम रीगल कहते हैं चलो सामोआ जो जो बात हम लोग पीछे बैक स्टेज पर करने वाले थे वो हम लोग यहीं कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि चेंज की जरूरत है NXT को, मैं ये चाहता हूँ कि सामोआ जो जब तक तुम मेडिकली क्लियर नहीं होते हो तुम रेसलिंग नहीं कर पाते हो, क्यों ना तुम बन जाओ NXT के न्यू जनरल मैनेजर। सामोआ जो कहते हैं देखो तुमने NXT ब्रांड को पिछले 7 सालों से संभाल कर रखा है, तुमने कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो बंदे थे WWE के अंदर तुमने उनमें से उनको निकाला और तुमने उन्हें इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया, तुमने उन्हें इंटरनेशनल फिनोमिनल सुपरस्टार बना दिया, तो भाई तुम जैसे NXT को जनरल मैनेजर नहीं मिल सकता और रियली सॉरी जो तुम्हारा ऑफर है मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन फिर सामोआ जो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट अर्न करवा सकता हूँ अपने से भी और बाकी उन लोगों से भी जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते नहीं है। वो केरन क्रॉस को घूरते हैं यहाँ पर और वो कहते हैं क्यों ना मैं तुम्हारा एक एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी गार्ड टाइप बन जाऊँ कि मतलब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत काम भी करूँगा, लेकिन अगर तुम पे कोई ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते तो भाई उसको धूल मैं चटा दूंगा। तो विलियम रीगल कहते हैं ठीक है ये भी सही बात है, तुम एग्जीक्यूटिव जो जनरल मैनेजर है वो बन जाओ और सामोआ जो तुमसे वादा करो कि तुम किसी पर हमला नहीं करोगे अनटिल और अनलेस तुम्हें प्रोवोक नहीं किया जाता, तुम्हें उकसाया नहीं जाता है। सामोआ जो कहते हैं ठीक है भैया डील डन। और उसके बाद वो घूरते केरन क्रॉस की तरफ, वो कहते हैं सबको इज्जत करनी चाहिए विलियम रीगल की और टिकटॉक यंग चैंपियन सामोआ जो वापस आ चुका है। तो जिस तरीके से ओपनिंग सेगमेंट होता है काफी कमाल का। फिर जो आने वाला NXT का शो है जिसे अमेरिकन बैच कहते हैं हम लोग, वहां पर एक मैच कंफर्म करते हैं विलियम रीगल, यहां पर एडम कोल और काइल ओरायली हमें आपस में फेस करते हुए नजर आते हैं। एडम कोल आते हैं बैक स्टेज के ऊपर विलियम रीगल के पास में, वो काफी भड़क जाते हैं कि भाई तूने मेरा काइल ओरायली का मैच कंफर्म कैसे कर दे बिना मुझसे पूछे, मेरी और उसकी जो दुश्मनी थी वो खत्म हो चुकी है, तुमने उसे एक और अपॉर्चुनिटी क्यों दी। काफी ज्यादा एडम कोल भड़कते विलियम रीगल के ऊपर, सामोआ जो समझाते हैं भाई देख इसे ऐसे ना बात कर रिस्पेक्ट कर इसकी, यहां पर एडम कोल और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। फिर भाई लगाते हैं सामोआ जो एक कोकिनो क्लच एडम कोल को और कुछ इस तरीके से बैक स्टेज पर उन्हें हमें बेहोश करके रख देते हैं। तो भाई कुल मिला के आज के NXT के एपिसोड के ऊपर अपने सामोआ जो वापस आ चुके हैं इसको लेकर फिन बैलर ने भी अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर सामोआ जो की और उनकी टू स्वीट वाला जो मूवमेंट है उसकी फोटो पोस्ट की, तो लगा ऐसा रहा है सभी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि सामोआ जो एक डिजर्विंग सुपरस्टार हैं और जब वो मैनेजर बन चुके हैं एक तरह के एग्जीक्यूटिव रोल वाले, तो भाई वो यहाँ पर अपना तगड़ा काम भी करेंगे गुस्से वाला और ऊपर से उनके माइक स्किल्स किस लेवल के हैं ये बात तो हम सभी जानते हैं। कैसा लगा आपको सामोआ जो कि एक बार फिर से WWE रिटर्न के बाद, अपना रिएक्शन ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर बताना। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, इस बार एक क्विक अपडेट है SummerSlam 2021 के बारे में। SummerSlam 2021 की जो टिकट सेलिंग है वो काफी तगड़े तरीके से भी फिलहाल चल रही है, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी। और टिकट सेलिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो रही के कारण WWE हमें और भी सीट्स बहुत जल्दी अवेलेबल करती हुई नजर आती है, क्योंकि जैसे पहला स्लॉट जो WWE ओपन करती है करीबन 2000 के आसपास टिकट्स का, वो तुरंत हमें बिकता हुआ नजर आता है 10 से 15 मिनट के अंदर। फिर 2000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में लगे होते कि भाई जैसी सीट्स आएंगी सबसे पहले वो उनकी बुक हो जाएंगी। लेकिन भाई अभी का अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं, अभी का स्टेटस कुछ इस तरीके से है कि सभी के सभी टिकट्स ऑलमोस्ट बहुत जल्दी सोल्ड आउट होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर जो 4:30 टाइम लिखा है ये US का टाइम है, इंडिया का टाइम नहीं है। और यहां पर अभी फिलहाल जो सीट्स हैं वो 200 लेवल्स की, 300 लेवल्स की और 400 लेवल्स की सभी की सभी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मतलब ये सही में बहुत बड़ी चीज है भाई WWE के लिए कि आपकी सीट जब शो को होने में इतना टाइम बाकी है वो लगातार बिकती जा रही है। जिन लोगों को नहीं पता है 200 लेवल या फिर 300 लेवल वाली क्या चीज है, तो जैसे 310, 320, 330 ऐसे करके आपको सीट नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सभी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। जो 210, 220 करके सीट्स नंबर होंगे 300 तक वो सोल्ड आउट हो चुकी है, और जो 400 लेवल्स वाले यानी कि जिनकी जो सीट की स्टार्टिंग आप 400 से कहोगे होगी वो भी हमें सोल्ड आउट होती हुई नजर आई हैं। अभी फिलहाल जो कुछ टिकट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ $500 और $700 की अवेलेबल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिंग के पास में होती हैं। अगर मैं $500 और $700 कहूँ भाई बहुत ज़्यादा, आई थिंक करीबन $700 अगर मैं कहूँ इंडियन रुपीज़ के अंदर बनते हैं जाके ₹50,000 के आसपास, और वहीं अगर मैं $500 की बात करूँ तो ₹36,000 के आसपास वो इंडियन रुपीज़ में बनते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ इसके कुछ सीट्स अवेलेबल रह गई हैं और अभी जाके मैंने कुछ ही घंटे पहले चेक किया, उनमें से भी कुछ ही सीट्स मतलब सिर्फ आप कह सकते हो 10 से 15 सीटें अवेलेबल हैं। और बहुत जल्दी SummerSlam की जितने भी अभी फिलहाल स्लॉट्स WWE ने अवेलेबल रखे थे 40,000 के आसपास वो बिकने वाले हैं, तो WWE काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि SummerSlam की सारी सीट्स होने वाली हैं अवेलेबल और SummerSlam पूरा का पूरा सोल्ड आउट होने वाला है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है हमारे बिग डॉग ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में। और रोमन रेंज का कौन सा होने वाला है लेनस एल पेपर व्यू के बाद का अपोनेंट, रिसेंटली इसको लेकर कुछ बहुत ही बड़ी न्यूज आई है निकलकर सामने, क्योंकि रे मिस्टीरियो रोमन रेंज का मैच होगा हेल इन अ सेल में और वहां पर टाइटल चेंज होना उतना ज्यादा मुश्किल है जितना आर ट्रूथ का रॉयल रंबल मैच को जीत
जीता। और भाई रिसेंटली जो अपडेट आई है सामने वो FW4 ऑनलाइन की तरफ से आई है, उनका मानना ये कि रोमन रेंस हराने वाले रे मिस्टीरियो को हेल इन अ सेल में, और बेटिंग ऑड्स के हिसाब से भी रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को करेंगे रिटेन। और हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बाद अभी फिलहाल जो WWE अपोनेंट्स कंसीडर कर रही है रोमन रेंस के लिए लाइव फैंस वाले पहले शो के अंदर, वो हैं दो सुपरस्टार्स। पहले सुपरस्टार हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और दूसरे सुपरस्टार हैं सेथ रॉलिंस। अब डोमिनिक मिस्टीरियो का जो एंगल आया निकलकर सामने वो ये कि रोमन रेंस काफी ब्रूटल तरीके से रे मिस्टीरियो को हमें मारते हुए नजर आएंगे हेल इन अ सेल के शो के अंदर। मैच खत्म होने के बाद भी वो हमें अटैक करते हुए नजर आएंगे रे मिस्टीरियो पे। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो आएंगे एंड वो अपने डैड को यहां पर बचाने की कोशिश करेंगे, और वहीं से एंगल बनेगा मनी इन द बैंक पेपर व्यू का, जहां पर डोमिनिक और रोमन रेंस का आमना सामना होने वाला है। जो दूसरा एंगल आया सामने, जो दूसरा अपोनेंट है वो सेथ रॉलिंस होंगे। उनका एंगल कुछ इस तरीके से आया निकलकर सामने कि सेथ रॉलिंस और सिजारो का मे बी WWE मैच कंफर्म करेगी आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के लिए। और यहां पर सेथ रॉलिंस हराने वाले सिजारो को, फिर वो क्लेम करेंगे अपने आप को नंबर वन कंटेंडर। और स्मैकडाउन के शो के अंदर WWE इस मैच को टीज करते हुए नजर आएगी कि सेथ रॉलिंस अब नेक्स्ट चैलेंजर हैं। धीरे धीरे करके ये फ्यूड बिल्ड होगा और जब लाइव फैंस वापस आएंगे तब हमें WWE इस मैच को करवाते हुए नजर आएगी, क्योंकि मनी इन द बैंक का ऐसा पहला शो होगा जो कि लाइव फैंस के साथ होने वाला है। ओवरऑल मेरे हिसाब से रोमन वर्सेस डोमिनिक का मैच भी एक बेहतर मैच होगा, क्योंकि डोमिनिक के करियर को यहां पर काफी अच्छा बूस्ट और पुश मिलने वाला है। लेकिन वहीं सेथ रॉलिंस की बात करें तो हील सेथ रॉलिंस वर्सेस हील रोमन रेंस का जो मैच है वो हम सभी का ड्रीम मैच है, तो ये मैच भी होता है तो इसे देखने में भी काफी मजा आने वाला है। देखते हैं बाकी हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बाद WWE कौन सा अपोनेंट कंसीडर कर रही है। आपके अकॉर्डिंग किसको फेस करना चाहिए रोमन रेंस का मनी इन द बैंक के शो में? क्या वो होने चाहिए डोमिनिक मिस्टीरियो या फिर वो होने चाहिए हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब तब तक कर ही देगा चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आगे भी आपको चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।